नमस्कार। बहुत बार हम उस समस्या से परेशान होते हैं जो वास्तव में होती ही नहीं है। कैसे, आइए जानते हैं एक कहानी से। एक बार एक राजा ने अपने ही राज्य में एक सुंदर सा महल बनवाया और महल के मुख्य द्वार पर गणित का एक सूत्र लिखवाया और यह घोषणा करवाई कि जो इस सूत्र को हल कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा, क्योंकि इस सूत्र को हल करने पर ही महल का द्वार खुलेगा। राज्य से बड़े बड़े गणितज्ञ आए। सूत्र को देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन उस सूत्र को कोई भी हल नहीं कर पाया। उन दिनों गांव में एक साधु आए हुए थे। गांव के किसी एक नागरिक ने उस सूत्र के बारे में साधु को बताया। साधु ने सोचा, एक बार मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। साधु महल के बाहर गए, उन्होंने सूत्र को देखा और वहीं अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। साधु ने मुस्कुराहट के साथ आंखें खोली और खड़े होकर धीरे से द्वार को धकेला और यह क्या, द्वार खुल गया। राजा ने साधु से आश्चर्य के साथ पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि द्वार खुल गया। साधु ने कहा, जब मैं ध्यान में बैठा तब मेरे मन से ये आवाज आई कि पहले ये जांच तो कर लें कि सूत्र है या नहीं, उसके बाद हल करने की सोचना, और मैंने वही किया। तो देखा आपने, कई बार जिंदगी में कोई समस्या होती ही नहीं है, हम उसे अपने विचारों से यानी कि बहुत ज़्यादा सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। तो ऐसे में हमें पहले जो समस्या है उस पर विचार करना है कि वाकई में जीवन में वह समस्या है या नहीं, या मेरे ज़्यादा सोचने से यह समस्या बड़ी लग रही है, यानी कि अपने विचारों को नियंत्रित करना है और किसी भी समस्या को बड़ा नहीं बनने देना है। साथ ही साधु की तरह शांति और धैर्य रखकर समस्या का समाधान ढूंढना है और हमेशा ये याद रखना है कि कभी कभी समस्या का समाधान बहुत सरल होता है लेकिन हम ही उसे जटिल बना देते हैं। धन्यवाद।